उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूर्व बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और गनर की शुक्रवार को ताबड़तोड़ गोलियां और बम बरसाकर सनसनीखेज हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद, उसका बेटा और भाई सवालों के घेरे में आ चुके हैं। इसी सिलसिले में एडीजी ने बताया कि सोमवार को प्रयागराज में मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी अरबाज को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। उमेश पाल की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था, उसे अरबाज ही चला रहा था। अरबाज के बैकग्राउंड पर नजर डालें तो वो प्रयागराज के सल्लापुर का रहने वाला है। अरबाज पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है और उसने लंबे समय तक अतीक अहमद की गाड़ी भी चलाई थी। वारदात के दिन अरबाज ने पहले शूटरों को उमेश पाल की कार के आगे उतारा और फिर तेजी से गाड़ी को दूसरी तरफ लेकर आया, जिसमें वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर आसानी से फरार हो गए। अरबाज वारदात के वक्त कार से बाहर नहीं उतरा था। साथ ही जांच में ये भी सामने आया कि उमेश पाल की हत्या करने आए साथ में से दो शूटर अतीक अहमद गैंग के थे। वहीं पुलिस के दबाव के चलते हत्यारे प्रयागराज छोड़कर ना भाग जाएं, इसलिए जिले की सीमा पर भी चेकिंग चल रही है। साथ ही यूपी पुलिस ने 7 आरोपियों पर इनाम भी घोषित कर दिया है। वहीं प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने वारदात में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि इस हत्याकांड की साजिश मुस्लिम हॉस्टल के कमरे में रची गई थी। हॉस्टल का लिंक वारदात में शामिल सदाकत खान से है, जिसे यूपी एसटीएफ ने अरेस्ट किया है। सदाकत गाजीपुर का रहने वाला है और एलएलबी का छात्र बताया जा रहा है। फिलहाल सदाकत मुस्लिम हॉस्टल में ही रह रहा था।